नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, DGT की तरफ से जो नोटिस आया था उसमें बताया था कि जिन कैंडिडेट का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ था या जिन कैंडिडेट ने ग्रेवेंस किया था उनका रिजल्ट कब तक अपडेट होगा और ग्रेस मार्क्स जिन कैंडिडेट को मिलेंगे वो कब तक मिलेंगे। तो दोस्तों, DGT ने 14 अक्टूबर की डेट दी थी। आज दोस्तों 14 अक्टूबर है और अभी तक कुछ कैंडिडेट के मेरे पास काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि सर रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। दोस्तों, जो DGT ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया था इसमें उन्होंने बताया था कि जो 18-19 सेशन के कैंडिडेट हैं जिनके प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के मार्क्स में 0-1 शो कर रहा था उनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ था। साथ ही जिन्होंने ग्रीवेंस किया था उनके रिजल्ट से रिलेटेड जो रिजल्ट नोडल ITI के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो दोस्तों 14 अक्टूबर को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, आज 14 अक्टूबर है और DGT हो सकता है अभी मॉर्निंग का टाइम है। आई होप कि आज आपका रिजल्ट अपडेट हो जाए। जिन कैंडिडेट ने ग्रीवेंस किया था, जिनकी बैक लगी थी एग्ज़ाम में, तो आई होप उन्हें पासिंग मार्क्स मिल जाएं या फिर ग्रेस मार्क्स से उन्हें दोस्तों पास कर दिया जाए। अगर दोस्तों, मैं अभी आपको एक कैंडिडेट का रिजल्ट चेकआउट करके दिखाता हूँ तो आप देखिए दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो आप दोस्तों पेशेंस रखिए। हो सकता है DGT हमेशा टेंटिवली डेट निकालती है दोस्तों, जैसे ही एग्ज़ाम की डेट होती है उससे 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है दोस्तों, अगर आज आपका रिजल्ट अपडेट ना हो तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आज शाम तक या कल सुबह तक आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपको ग्रेस मार्क्स या पासिंग मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले। तो दोस्तों, चेकआउट करते हैं एक कैंडिडेट का रिजल्ट। दोस्तों, गूगल क्रोम में आने के बाद आपको NCVT MIA सर्च करना है और उसके बाद व्यू रिजल्ट पे जाना है। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर रोल नंबर, आपका एग्ज़ाम सेशन और आपका ईयर आपको सिलेक्ट करना है। मैं ये आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों, डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे यही शो कर रहा है कि CBT एग्ज़ाम नॉट पेड, प्लीज़ पे CBT एग्ज़ाम फीस ऑनलाइन लिंक, और आपका रिजल्ट 48 घंटे में दोस्तों अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने अभी तक CBT एग्ज़ाम फीस पे नहीं की है वे अपनी फ़ीस पे करें। साथ ही जिन्होंने फ़ीस पे कर दी है दोस्तों, उनमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी ऐसा ही सो रहा है कि आपने फ़ीस पे नहीं की है। तो दोस्तों, यह नोडल ITI के द्वारा अपडेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी तक यह रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, हो सकता है कि दोस्तों आज शाम तक अपडेट हो जाए या फिर कल सुबह तक अपडेट हो जाए। जैसे ही दोस्तों रिजल्ट अपडेट होता है, सबसे पहले सबसे तेज हमारे चैनल पर आपको अपडेट दोस्तों कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, बैक एग्ज़ाम से रिलेटिव भी हमने जिन कैंडिडेट के लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग के बैक एग्ज़ाम की डेट आई थी वो भी हमने अपने चैनल पर वीडियो मेंशन की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको बैक एग्ज़ाम की क्लासेस भी चाहिए तो हमारे चैनल पर दोस्तों प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप इन टच। जय हिंद, वंदे मातरम।